ओके चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर जो नेक्स्ट शीट है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A125 का प्रिंटआउट लेंगे बाहर से। और क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड हुज डेंसिटी वेरीज विथ डेप्थ एच एस। तो एच के साथ इसकी डेंसिटी लिक्विड की यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे एच बढ़ रहा है डेंसिटी लिक्विड की बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म लिक्विड है। इसका मतलब ऐसा होता नहीं, नॉर्मली हमारा लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो उस केस में वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट मैच द फॉलोइंग ऑप्शन, देखो प्लीज। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपथ्रस्ट की बात करते हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या होगा। तो अगर अपथ्रस्ट की बात करते हैं तो अपथ्रस्ट के अंदर किसकी डेंसिटी आती है, लिक्विड की। जैसे जैसे बॉल नीचे जाती जाएगी, डूबती जा रही है, तो अपथ्रस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली अपथ्रस्ट की वैल्यू पहले कम थी, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू, जो अपथ्रस्ट की बात करते हैं, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम पे ऐसे होगा कि डेंसिटी लिक्विड की बॉडी से भी ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। तो सही लिखा ना, इंक्रीज देन डिक्रीज, डन। यहां तक क्लियर है, तो पहला ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द बॉल। अब अगर स्पीड की बात करते हैं तो शुरू में बॉडी की डेंसिटी बड़ी थी, लिक्विड की कम थी, तो स्पीड बढ़ेगी। नीचे आते 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 क्या हो जाएगी, अपथ्रस्ट बढ़ता जा रहा है, और फिर स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है यहां तक। और मुझे लगता है कि स्पीड नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब नीचे आने की बजाय वो उल्टा, पर ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है तो फिर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन दी बॉल। नेट फोर्स कौन लगा रहा है, एक तो बॉडी का वेट है और एक अपथ्रस्ट है। पहले बॉडी का वेट बड़ा है, अपथ्रस्ट छोटा है, तो नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड है। बाद में क्या हुआ, अपथ्रस्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बॉडी का वेट कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होगा, देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले कम होगी, वो क्यों, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है, फिर बॉल ऊपर आएगी क्योंकि अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, तो पहले डिक्रीज हो रही होगी और फिर इंक्रीज। तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे कि कैसे ये वेरिएशन बना के दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको अपने ऑप्शंस को मार्क करना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे मार्किंग होगी और कैसे सोचना है आपको इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन प्लीज। अ पर्सन टेक्स अ सॉलिड ऑफ मास एम एंड डेंसिटी रो एस एंड वॉल्यूम वी एस, सो ही वेज इट इन एयर बाय स्प्रिंग बैलेंस एंड देन सस्पेंड दिस मास फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस इन टू बीकर कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। द कंबाइंड मास ऑफ द बीकर एंड लिक्विड इज कैपिटल एम। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं तीन एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इसमें, ए बी सी, भाई ये डायग्राम से देख लो। एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका बॉडी का कंटेनर है और जो वाटर है उसका मास एम है और लटकते हुए मास का स्मॉल एम है। दूसरे केस में ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है और सिस्टम वैसे का वैसा ही है। और लास्ट केस है जिसमें ये जो हमने नहीं पकड़ा हुआ छत से, इसे हमने यहीं से, इसी का पार्ट है ये। आपको बताना है कि इसमें वेट्स और रीडिंग्स क्या आएंगी, ये आपकी ऑप्शंस हैं। और रो एस का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मतलब मास, और रो एल का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये मार्किंग करनी है इसमें। तो क्वेश्चन वेट के ऊपर है, ऐसे मार्किंग नहीं करनी, मैथमेटिकली वेट निकालना है। तो ए केस में देखो वेट क्या आएगा, सेकंड केस में वेट क्या आएगा,
थर्ड केस में वेट क्या आएगा, खुद अपनी कैलकुलेशन करके फिर मैचिंग करनी है। ट्राई करो इसे, खुद मैचिंग करनी है। और वेट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर ये मास एम है और इसके ऊपर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, तो बदले में ग्राउंड पे क्या लगेगा, अप थ्रस्ट। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था एक बार, याद है, वेइंग ऐसे ही कुछ सेम क्वेश्चन था। और सेम अप थ्रस्ट और सेम इसमें लगाने लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, वो सिस्टम का पार्ट ही है वो। तो एक बार सोच विचार कैसे करेंगे इसमें। चल देखते हैं इसे। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर ए पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट, राइट, ए पार्ट में अगर हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड। उसने कहा कि वेट ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड का मतलब क्या हुआ, जो लटकती हुई बॉडी है, जो हवा में बॉडी लटक रही है ए पार्ट में, उसका वेट एम जी है, लेकिन पानी क्या लगाएगा उसके ऊपर, अप थ्रस्ट। वीरो जी, अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी आएगी, लिक्विड की, और मास वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का। बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। आंसर ऑप्शन मार्क कर लेना, ठीक है यहाँ तक। फिर दूसरा केस है बी पार्ट, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन एनी ऑफ द फिगर। तो जैसे जो बी पार्ट है उसमें लॉस ऑफ वेट क्या होगा, लॉस ऑफ वेट हमेशा किसके इक्वल होता है, जितना बॉडी का क्या होता है, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी आती है, लिक्विड की, वॉल्यूम किसका आता है, बॉडी का, तो मास बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कर लेना मार्क। नेक्स्ट ऑप्शन है वेट ऑब्जर्व्ड बाय वेइंग मशीन सी ऑप्शन में विद मास एम हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग इन फिगर नंबर टू। फिगर नंबर टू के अंदर जो वेट है, जो वेइंग मशीन का कह रहा है कितना भार आ रहा है, वेइंग मशीन पे पूरा बीकर कैपिटल एम जी तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, अप थ्रस्ट भी आएगा, छोटे एम का मास नहीं आएगा। ये क्वेश्चन क्लास में हमने किया था, तो हमने ये कहा था कि इसमें इसका मास तो आना ही आना है, इसका वेट तो आएगा कैपिटल एम जी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वेट नहीं लेना, इसके ऊपर वाटर क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। तो इसके ऊपर क्या लगेगा वापस में, बाय रिएक्शन अप थ्रस्ट, तो इसका वेट क्या बनेगा, कैपिटल एम जी प्लस अप थ्रस्ट। तो याद है वो रीडिंग बढ़ जाती है वेट से, हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम किया था, तो कैपिटल एम जी तो होगा साथ में, अप थ्रस्ट की रीडिंग साथ में ऐड हो जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैपिटल एम जी में क्या ऐड कर लेते हैं, अप थ्रस्ट, तो अप थ्रस्ट में वॉल्यूम वही सेम चीज़ हो जाएगी। और लास्ट केस है, लास्ट केस में बीकर भी वही और स्मॉल एम भी उसी का पार्ट है, हर कोई उसी का पार्ट है, तो पूरा भार उसमें काउंट हो, तो उसमें कोई चक्कर नहीं है, उसमें टोटल वेट एम जी प्लस एम जी ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक,
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखना, मैच द फॉलोइंग. ठीक करें स्टार्ट. तो देखो इसके अंदर आइस है, आइस है और वाटर में तैर रही है. तो आपको ये बताना है अगर आइस मेल्ट हो जाएगी पहले केस में तो लेवल का क्या होगा. दूसरा केस है अगर आइस मेल्ट होगी और जो स्टील है उसके अंदर जब नीचे ऑब्वियसली डूब जाएगा वो मेल्ट होने के बाद तो क्या होगा. वुड है तो क्या होगा और लास्ट में आइस है तो क्या होगा. लास्ट अच्छा ठीक है, ये आइस है और वाटर है और आइस वाटर की ही बनी हुई है, यानी कि इस केस में डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है पर इस केस में डेंसिटी डिफरेंट है. तो आपको ये बताना है. देखो अगर तो पानी की और आइस की डेंसिटी एकदम सेम है फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. केस नंबर ए में इट विल रिमेन सेम, क्योंकि आइस जो है जितना वाटर डिस्प्लेस कर रही है वाटर पिघलने के बाद उतना ही वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी और दोनों में डेंसिटी में फर्क तो है नहीं. तो मास बाय डेंसिटी में अगर फर्क नहीं है तो वॉल्यूम की वैल्यू भी सेम ही रहेगी. तो जितना भी वो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पिघलने के बाद भी कोई चेंज नहीं है उसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जैसे स्टील है, हमने क्लास में किया था स्टील डूब जाएगी और जब वो पत्थर डूब जाते थे लेक में तो लेक का लेवल बढ़ता नहीं था, लेक का लेवल हमेशा नीचे गिरता था. तो जो चीज़ डूब पहले तैर रही है और फिर डूब जाती है, हमने क्लास में डिस्कशन की हुई है, तो वो लेवल को बढ़ाती नहीं है कभी भी, लेवल को डुबोती है. क्यों? क्योंकि जब वो तैर रही है तो वो अपने वेट जितना वाटर डिस्प्लेस किए हुए है, लेकिन जब वो डूब गई तो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, उससे कम करेगी, जिस वजह से क्या होगा लेवल बढ़ेगा नहीं, लेवल उल्टा कम हो जाएगा. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डूब जाएगा, ठीक. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर कोई बॉडी डूब जाती है. ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी डूबती है पहले तैर रही थी तो लेवल को हमेशा कम करती है. नेक्स्ट है इस केस में कि अगर मान लो वुड है, अब वुड की क्या प्रॉब्लम है, वुड पहले भी तैर रहा है वुड बाद में भी तैरेगा. आइस पिघलने से फर्क पड़ता नहीं क्योंकि आइस और वाटर की डेंसिटी तो सेम है. वुड अभी भी तैर रहा है पहले भी तैर रहा है तो इट विल रिमेन सेम, इसमें भी कोई फर्क नहीं. लास्ट केस है इंटरेस्टिंग, आइस पिघल जाती है, आइस पानी की बनी हुई है लेकिन जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है. अब क्या किया जाए? तो इसमें मैंने नोट लिखा हुआ है, एक पहले आइस क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, ठीक. आइस इज फ्लोटिंग, तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रही थी जितना उसका अपना वेट है, वेट कितना है एमजी. अब mg किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि इसमें वाटर डिस्प्लेस्ड नहीं है इसमें लिक्विड डिस्प्लेस्ड है. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है, v rho g, rho किसका, लिक्विड का. पॉइंट समझ आ रहा है यहां तक? तो ये आइस जब तैर रही थी तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही थी, आइस का मास बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डन, यहां तक क्लियर है? फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगाया आर्किमिडीज का. और अगर वो पिघल जाती है, सेम अमाउंट ऑफ आइस अगर पिघल जाती है, मास रिमेनिंग द सेम, तो अब
पिघल के आइस की डेंसिटी या पानी की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही बात है, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ आइस और पानी की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है, तो इतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड, अब अगर वैसे अगर आइस को पिघला लिया जाए तो इतना वॉल्यूम निकलता है, और अगर सपोज करो वो बड़ी बड़ी लिक्विड में पिघलती है तो इतना वॉल्यूम निकलता है, ठीक। तो ऑब्वियसली दोनों वॉल्यूम में फ़र्क है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में फ़र्क है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो आइस है उसकी डेंसिटी तो कम है लिक्विड से, आइस या वाटर की डेंसिटी कम है लिक्विड से, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम लिक्विड का कम है, यानी कि जब आइस मेल्ट नहीं हो रही थी तो उसका जो वॉल्यूम था वो कम डिस्प्लेस हो रहा था, मेल्ट होने के बाद क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या है कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आएगा पानी का, इस वजह से पानी ज़्यादा फैल जाएगा पिघलने के बाद, तो इसलिए लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट वाला बी पार्ट, वो हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई बॉडी स्टील तैर रही है, पहले अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, वेट का मतलब वीरो जी, अब वो डूब गई पिघलने के बाद, यानी कि अपने वीरो जी में मान लो इतना पानी डिस्प्लेस हो जाता है, वो डूब गई, वो इतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पा रही, थोड़ा कम करेगी तो लेवल बढ़ेगा थोड़ी ना, लेवल उल्टा पहले से कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? तो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिया। देखो इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड टू आर एंड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एंड टोटली इमर्स्ड इन अ वाटर एज शोन, फाइंड रेशियो ऑफ रिएक्शन ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक टू द हेवियर स्फीयर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये ना यहाँ पे नीचे लगा हुआ है बिल्कुल जमीन पे, और ये अभी अभी हवा में टेंशन है स्ट्रिंग में, वो कह रहा है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालो और स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एक है वी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो सेकंड स्फेयर है वो क्या हो जाएगा 8 V, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज 4/3 π r³, एक का रेडियस r है, एक का 2 r है, तो 8 का फैक्टर आ जाएगा। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें ए और बी का, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ टेंशन TNT हो जाएगी, तो ऊपर वाला ब्लॉक ये, ऊपर वाला स्फेयर ये रहा, टेंशन नीचे, नीचे वाले के ऊपर टेंशन ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं। तो नीचे वाले स्फेयर पे क्या लगेगा? रिएक्शन एन एन, इसका वेट कितना है वीरो जी, इसका वॉल्यूम 8 V, इसकी डेंसिटी निकाल लेना वहां से, रिलेटिव डेंसिटी देके पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन टू जी, वीरो जी से वेट आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, टेंशन आ गई, और लास्ट क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कहाँ लगेगा? ऊपर। अपथ्रस्ट लगाने के लिए जो लिक्विड की डेंसिटी है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार चेक करना, कुछ भी मान लो इसने डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया, चलो जीरो जी में वाटर में है तो वाटर की डेंसिटी ले लिया, क्योंकि अपथ्रस्ट के अंदर लिक्विड की डेंसिटी आएगी और लिक्विड कोई मेंशन नहीं है, तो वाटर कंसिडर करते हुए जीरो जी, और वॉल्यूम किसका? स्फेयर का।
फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, ठीक, चार फोर्सेस हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, टेंशन टी, इसका वेट, अप थ्रस्ट, टेंशन टी, वेट, अप थ्रस्ट, ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है। और इसके अप थ्रस्ट में 8V मत ले लेना, इसका खुद का वॉल्यूम V है, तो इसका अप थ्रस्ट में किसका वॉल्यूम आएगा, V ही आएगा। इक्विलिब्रियम गिवन है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स 1, 2, 3 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T और N निकाल लेना, और T और N से N और T की रेशियो पूछी है, तो 7 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो ये 7 आंसर आएगा इसका। इक्वेशंस क्लियर है कैसे बनी, बेसिकली इक्वेशन जरूरी है, ठीक है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब, ट्यूब में पानी जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और बी पे गिवन है, हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 15 सेंटीमीटर गिवन है, एंड बोथ ए एंड बी आर ओपन टू एटमॉस्फेयर गिवन है, स्पीड ऑफ बी निकालना है, पता लग ही रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम की प्रॉब्लम है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में A1V1 A2V2, एक साइड का एरिया 3 है तो एक साइड का एरिया 1.5 है, तो A1V1 A2V2 से वेलोसिटीज की का रेशियो आ जाएगा। बर्नौलीज लगाएंगे ए और बी पॉइंट पर, हाइट का डिफरेंस तो ऑलमोस्ट हम लेते नहीं, हम प्रेशर में एडजस्ट करते हैं, तो पी ए माइनस पी बी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी एच रो जी, वी ए की वैल्यू ऊपर से वी बी बाई टू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, वी बी की वैल्यू आ गई, एच पता है, जी पता है, और थ्री पता है, वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, वी बी आ गया तो वी ए आ गया, वेलोसिटीज आ जाएंगी, सिंपल क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम पे। नेक्स्ट,
a spherical solid ball of volume V is made of a material of density rho 1 and it is falling through a liquid of density rho 2. So, iske andar rho 1 body ki density hai aur rho 2 liquid ke andar ja rahi hai aur density rho 2 kam hai, liquid ki density kam hai, body ki zyada hai to dubegi pakki baat hai, niche aa rahi hai. Assume that liquid applies viscous force on the ball to and that is proportional to square of its velocity. So, ye viscous force is minus k v square, minus sign ka matlab resisting force hai. Terminal speed nikal lo, kya question change karke de diya. Derivation hai 6 pi eta rv, isne k into v square de diya. Minus nahi lena, minus ka matlab opposing force hai. To bas theek hai, ye weight hai, ye upthrust hai, upthrust mein density of liquid hai, weight mein body ki density hai. Equate kar do. ये टर्मिनल एक्वायर होगा तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएगी. इन्हें इक्वेट करो और वी निकाल लो. दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. तो क्वेश्चन है कि अ स्मॉल स्फेरिकल मोनोटॉमिक आइडल गैस बबल गामा गिवन है. इट्स ट्रैप्ड इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल. एज्यूम दैट बबल डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट विद द लिक्विड. एडियाबेटिक प्रोसेस है. बबल कंटेन्स एन मोल्स ऑफ गैस. द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन बबल इज एट द बॉटम इज टी नॉट. द हाइट ऑफ लिक्विड इज एच. एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है. सरफेस टेंशन नहीं लेनी. तब स्टार्ट है क्वेश्चन कि किसी भी इंस्टेंट पे बबल वाई पे है. अभी बबल मूव्स अप बिसाइड द बॉइंट फोर्स. वो तो लगनी है इसके ऊपर. और कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं. एक तो वेट कर रहा है, वेट का मतलब ग्रेविटी. एक विस्कस फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है, विस्कोसिटी. बॉयंसी, विस्कोसिटी और ग्रेविटी. बॉयंसी एक्सक्लूड कर दी उसने, बची तो. एक पार्ट हो गया क्लियर. इसी में अगला क्वेश्चन है. इन अब प्रॉब्लम व्हेन बबल इज एट अ हाइट ऑफ वाई फ्रॉम द बॉटम. जैसे कि फिगर में गिवन है, इस टेम्परेचर इज व्हाट. टेम्परेचर बताओ क्या होगा. तो देखो प्रेशर बॉटम पे क्या है. जब बिल्कुल बॉटम पे है तो पानी पूरा प्रेशर लगा रहा है, रो जी एच कैपिटल एच. एटमोस्फेरिक तो वही है. जब वाई डिस्टेंस पे है तो ऊपर से हाइट पानी की क्या पड़ रही है, एच माइनस वाई. तो इतना प्रेशर हो गया. एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है, पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट.
और अगर आपको याद हो मैंने एडियाबेटिक के अंदर करवाया था, टी और पी की क्वेश्चन कभी यूज नहीं होती, पर ये पहली बार यूज हो रही है, मेरे को याद नहीं थी, मैंने रफ पहले निकाल के देखी, पी इज इक्वल टू एन आर टी में पुट करके, तो टी रेज टू पावर गामा पी रेज टू पावर वन माइनस गामा इज अ कॉन्स्टेंट, बना लोगे ये, इसके अंदर पुट करना है पी वी इज इक्वल टू आर टी में वी की जगह आर टी बाई पी, तो यह आ जाएगा। तो यहाँ से टी की पावर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन माइनस गामा, गामा राइट साइड पे चला गया तो यह आ जाएगा। अब मुझे पता है दो पोजीशन चेंज कर रहा है बबल, तो इनिशियल टेम्परेचर टी वन है, फाइनल टी टू है, प्रेशर पी वन से पी टू हो गया मान लो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी टू बाई टी वन इज पी वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू गामा की वैल्यू फाइव बाई थ्री गिवन है, तो सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी आपके पास, माइनस साइन को प्लस करना है तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया पी टू बाई पी वन, पी टू पी वन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, पी वन का मतलब बॉटम का प्रेशर, पी टू का मतलब वाई डिस्टेंस पे प्रेशर, पी वन पी टू की वैल्यूज को पुट किया, इनिशियल टेम्परेचर कितना था नीचे बॉटम पे टी नॉट, टी टू आ गया, देखने में मुश्किल है कुछ नहीं वैसे, एडियाबेटिक का सिंपल है, पर चलो उस टाइम शायद जैसा भी लगता है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑप्शन देख के लगता है कि बहुत बड़ा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ रही है इसमें क्या लगाई लगेगी। इन द अबव प्रॉब्लम बॉयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द गैस बबल इज वॉट, देखो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होती है वो वी रो जी होती है, वॉल्यूम बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। अब आपको क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है कि जब उसका डिस्टेंस कितना है y हो चुका है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी है, पहले उसका वॉल्यूम v1 है, y डिस्टेंस में वॉल्यूम v2 है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है इसमें, प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो p2 v2 इज nr t2, जब उसका वॉल्यूम प्रेशर p2 है और वॉल्यूम v2 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यही क्वेश्चन लगा दी, v2 निकाल लेते हैं, t2 चाहिए होगा, t2 हमने ऊपर निकाला ये रहा t2, y डिस्टेंस पे टेम्परेचर ए पार्ट से आ गया, उस टी टू को पूरे का पूरा यहाँ पुट कर दिया और पी टू की जगह हमने ए पार्ट में निकाला पी टू भी, तो पी टू और टी टू पुट कर दिया तो मेरे पास वी टू आ गया, इस वी टू को जो भी आया यहाँ पुट करके नया ऑप्शन आएगा, मैंने लिखा नहीं बहुत लंबा था, बस जो आया वो आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आया कि करना कैसे है, अप्रोच समझ में आ रही है यहाँ तक, लंबा है थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दो सॉलिड स्फीयर्स हैं ए एंड बी, स्ट्रिंग से बने हुए हैं, इक्वल वॉल्यूम्स हैं बट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज डी ए डी बी, आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, दे आर फुली इमर्ज इन अ फ्लूड ऑफ डेंसिटी डी एफ, फ्लूड की डेंसिटी डी एफ गिवन है, दे गेट अरेंज इनटू इक्विलिब्रियम स्टेट एज शोन विद टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन है तो यानी कि ये हल्का है और ये भारी है, तो ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, यानी कि तैरने की कोशिश कर रहा है पर ये डूब रहा है, तो भी टेंशन होगी।
तो वो कह रहे थे अरेंजमेंट ऐसा कब पॉसिबल है, तो आप वैसे अंदाज़ा भी लगा ही सकते हो कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, लिक्विड की डेंसिटी से बड़ा होगा छोटा होगा, मैथमेटिकली करना है मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ये फ्लोट कर रहा है यहाँ पर एज इट इज़ इक्विलिब्रियम में, तो वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड कितना, वी और वी टोटल वॉल्यूम 2V, फ्लूड की डेंसिटी इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होल वेट ऑफ द बॉडी में, उसका वेट वी रो जी, इसका वेट वी रो जी, दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है। तो सॉल्व करके रिलेशन आ गया, साफ पता लग रहा है कि डीएफ से तो कम से कम कमी होगा, क्योंकि 2 टाइम DF इन दोनों का सम है। एक आंसर तो मुझे पता लग रहा है कि एक ही डेंसिटी फ्लूड से कम है। मैं कहता हूँ ये देखने की जरूरत क्या है, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा था देखते ही कि वो ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी टेंशन आएगी। तो एक ही डेंसिटी पक्का लिक्विड की डेंसिटी से कम छोटी ही होगी, और ये भी पता लग रहा है कि बी डूबने की कोशिश कर रहा है तो बी की डेंसिटी एफ से बड़ी होगी, तो मैथमेटिकली करने की जरूरत क्या है, तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कि आंसर क्या होगा मैथमेटिकली, हालांकि मैंने साथ में किया हुआ है, जरूरत नहीं है वैसे इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट,
assume that drop of liquid evaporates. Evaporation drop की होगी तो ml तो लगेगा लगेगा पक्का, state of matter change है. कैसे? By decrease in surface energy. जब decrease in surface energy है, यानी कि surface tension का question है ये, तो जब वो decrease energy release करेगा एक drop, because की surface tension energy release करेगी, तो उससे क्या होगा? वो energy लेके उड़ जाएगा. इसका मतलब decrease in surface से क्या होगा? ml लगेगा इसमें, ml ये देख रहे हो, time को छोड़ दो. और यहाँ पर क्या लग रहा है? चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी. टाइम से डिवाइड करेंगे तो डी टी डी टी, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आ गया, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, एक बार तो हुआ नहीं. तो डी ए मास उड़ता जा रहा है और डी ए एरिया छोटा होता जा रहा है. तो इस केस में आपको आर निकालना है, क्या होगा? तो मास है क्या ड्रॉप का? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. और एरिया ड्रॉप का क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर क्यू की डिफ्रेंसिएशन 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, आर स्क्वायर की 2 आर टी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी कैंसल, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया. ये था रेडियस ड्रॉप का. मैग्नीट्यूड कर रहा है ना, लॉस हो गया, एक को गेन हो गया ना, एक का माइनस एक का प्लस, मतलब कहने का मतलब वो लॉस है कि मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिए, तुमने 100 रुपीज लिए, तो मैग्नीट्यूड तुम दोनों का बराबर रहेगा ना. ठीक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के, अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी थ्री रो. द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी टू रो इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो अब इस केस में क्या करना है आपको? इस केस में स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने, पर स्प्रिंग के साथ नहीं किया. चेक करो प्लीज,
देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्प्रिंग लगा हुआ है सिस्टम इक्विलिब्रियम में एक बार फिर से, और डेंसिटी रो, थ्री रो और टू रो, क्या लगेगा वेट W1, क्या लगेगा अप थ्रस्ट, स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा kx0 एक्सपेंशन इज x0, वेट W, अप थ्रस्ट U, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में अप थ्रस्ट ऊपर है, अप थ्रस्ट में क्या है इसका वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, और वेट में क्या आएगा बॉडी की डेंसिटी इंटू जी, ठीक। और के एक्स नॉट तो है ही है, ऊपर वाले उसमें क्या आएगा अप थ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी और के एक्स नॉट, तो इक्विलिब्रियम तो है ही है। फिर एक बार क्या करेंगे इसमें, ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस, ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस, तो ये इन्हें ये मैंने इक्वेट कर लिया, रादर यहीं से हो जाएगा। अगर आप इसमें एक कोई भी एक इक्वेशन ले लें, चाहे एक पहले वाले ब्लॉक के लिए चाहे दूसरे के लिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा। देखो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स नॉट निकालना है ना, कोई मर्जी ले लें आप, तो कोई मर्जी में सपोज करो जैसे कि मैंने ये ले ली, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये रहा एक्स नॉट निकाल लिया, आंसर आ गया, एक्सपेंशन आ गई। फिर एक तो ऑप्शन मिली गया आपको, अगर आप ध्यान से देखें कि टोटल दोनों का वेट W1 और W2 इसके इक्वल है, और दोनों का जो अप थ्रस्ट है U1 एंड U2 वह इसके इक्वल, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, के एक्स नॉट कैंसिल हो गया, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब सिस्टम जहां है वहां का वहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम का कुछ पार्ट हवा में आ जाए और कुछ पानी में रहेगा। ऐसा तब होता है जब पानी की डेंसिटी बड़ी होती है और बॉडी का वेट कम होता है, तो ऊपर आ जाती है। इसमें दोनों बराबर है, जहां रखा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, इसलिए इसके दो आंसर बनेंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ठीक है। यहां तक हवा में तो कम से कम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है सेम टू, पूरी कहानी ये बता रही है कि एक ना मेडिसिन डालने का ड्रॉपर है, मैंने बताया था वो दवाई आंख में डालने वाली, तो ये ड्रॉपर है, दबा रहे हैं तो बबल नीचे एक ड्रॉप तैयार हो गया, बस अब गया और गया और गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे करते हैं, टेंशन की फोर्स यहाँ लेते हैं, इस सरफेस पे लगेगी 2πr पे, कोने पे लगेगी सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन यहाँ यहाँ से डिटैचमेंट होने वाली है, डिटैचमेंट की प्रॉब्लम बताई थी मैंने, यहाँ यहाँ से डिटैचमेंट है इसका, सर्कमफेरेंस 2πr है, तो सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ इनटू सरफेस टेंशन फोर्स है, तो ये मैंने बताया था सेंटर से ज्वाइन कर लेना होता है, ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, फोर्स का एक कॉम्पोनेंट ऐड करेगा, रादर सिर्फ यहीं क्यों ऐड करेगा, पूरे सर्फेस के ऊपर ऐड करेगा, तभी तो टी इंटू 2πr इंटू साइन थीटा, 2πr का मतलब पूरे सर्कमफेरेंस पे है। तो इस केस में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ड्रॉपर इज r, ये स्मॉल r है, ड्रॉप का रेडियस कैपिटल r है, ओपनिंग छोटी है और कैपिटल r बहुत बड़ा है, तो आपको ये बताना है द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी। तो वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी, अभी बताया मैंने t इंटू 2πr इंटू साइन थीटा होगी, और साइन थीटा किसके इक्वल है स्मॉल r बाय कैपिटल r, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।
एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इसी प्रॉब्लम में आपको निकालना है कि जब ये डिटैचमेंट होएगी, जब ये गिरने लगेगा ड्रॉप, तो आपको रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो डिटैचमेंट की प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम में क्या बताई थी कि बिल्कुल बाउंड्री और लिमिटिंग कंडीशन है कि वेट ड्रॉप का mg है, mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो लिमिटिंग केस क्या बनेगा, mg कम से कम इक्वल टू तो हो, सरफेस टेंशन की फोर्स है तो गिर भी सकता है, तो इक्वल टू कर दिया, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, f निकाल लिया हमने, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, जितने रेडियस ऑफ ड्रॉप है वो गिर जाएगा। ठीक, इसी प्रॉब्लम में वो कह रहा है आफ्टर ड्रॉप डिटैचेस, टूट गया, सरफेस एनर्जी बताओ क्या है। सरफेस एनर्जी में क्या करोगे, पहले जब ड्रॉपर में ड्रॉप नहीं था तो एरिया उसका जीरो था, ये पूरा ड्रॉप बन गया तो एरिया 4πr² हो गया, तो चेंज इन एरिया 4πr², तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज सरफेस एनर्जी। आंसर, ड्रॉप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ना 4πr², जो सरफेस एनर्जी होती है वो टेंशन इनटू एनर्जी मींस वर्क डन या एनर्जी कितनी है उसमें, तो टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि ना, वो कहता है देखो हम ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लेते हैं, गैसेस की वजह से लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट की वैल्यू हमें पता होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे इतनी है। अब होता क्या है, वो कौन लगा रहा है, वो गैसेस लगा रही हैं। जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और मैं एच हाइट ऊपर जा चुका हूँ, काफ़ी ऊपर जा चुका हूँ एच हाइट, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, राइट। तो मुझे प्रेशर की वैल्यू बतानी है एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज हो रही है। मान लो अर्थ की सरफेस से मैं एच हाइट ऊपर आ चुका हूँ, लेयर ऑफ गैस ले लेते हैं कोई एक, तो उस लेयर की थिकनेस क्या है, डी एच है, तो प्रेशर पी है और चेंज इन प्रेशर डी पी है। डी पी कैन भी नेगेटिव ऑल्सो ऑल्सो, मतलब ये मैं सोचो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम भी हो सकता है, डी पी कैन भी नेगेटिव ऑल्सो। तो देयर इज सम चेंज इन प्रेशर, देखो ना नेगेटिव लिख दिया, ऊपर जाने में चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, डी ऑफ पी रो जी एच, एच की जगह डी एच, पर ऊपर जा रहे हैं तो डी रो पॉजिटिव नहीं हो सकता, डी रो नेगेटिव ही होगा। तो यानी कि इतने अमाउंट से डिक्रीज हो गया जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। तो प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, डी पी बाई डी एच की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब प्रॉब्लम क्या है कि डेंसिटी की वैल्यू इसमें कॉन्स्टेंट मानी जा रही है, वैसे गैस की डेंसिटी चेंज होती है, पर क्वेश्चन में मैंशन है कि यू हैव टू टेक गैस की डेंसिटी एज अ कॉन्स्टेंट। तो गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मान लो जो आपने वो पोर्शन लिया लेयर का उसका मास छोटा एम है और टोटल उसका जो कैपिटल है मॉलिक्यूलर मास कितना है, कैपिटल एम है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए उस गैस में जो आप कंसीडर कर रहे हो। यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई, जो आपने मास लिया अपॉन जो आपने वॉल्यूम लिया उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी की वैल्यू आ गई, और डेंसिटी की ये वैल्यू आ गई जो कि क्वेश्चन नंबर वन में जाके पुट करो। तो डेंसिटी को जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, तो यहाँ से डी एच एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ,
तो स्मॉल चेंज इन प्रेशर विद स्मॉल चेंज इन हाइट का रिलेशन आ गया, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो मुझे पता है जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट से किसी इंस्टेंट पर पी हो गया, और हाइट जीरो से कहाँ पर आ चुकी है, एट हाइट ऑफ एच। इसे इंटीग्रेट करो लॉग पी, ये सब कांस्टेंट और ये एच आ गया, एक बार अपर टर्म एक बार लोअर टर्म, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी, तो लॉग ऑफ पी बाई पी नॉट, लॉग राइट साइड पे जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यही इसका स्टैंडर्ड आंसर है ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ गया कैसे किया, तो अलग तरीका है करने का। ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, बहुत ऑब्जेक्टिव के अंदर गिवन है, एचसीएलवा के अंदर भी गिवन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी अर्थ के प्रेशर्स पे काम होगा ना तो ऐसे होगा, स्मॉल चेंज इन प्रेशर स्मॉल चेंज इन हाइट लेके काम होगा। ठीक, लास्ट स्टेप पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या होती है, वेंचुरीमीटर की तरह ही काम करती है, हमने क्लास में शायद वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल किया था। पिटॉट ट्यूब में वेलोसिटी ऑफ लिक्विड निकाली जाती है, पानी बह रहा था आपने पिटॉट ट्यूब डाल दी, पिटॉट ट्यूब में पानी इकट्ठा होता जाएगा धीरे 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 यहाँ पे, और फ्लो तो आपने पिटॉट ट्यूब में देखने हाइट कितनी अटेन होगी राइट साइड पे, और दो पॉइंट ले लेने हैं, एक ओपनिंग पे और यहाँ पे। तो वेलोसिटी ए पे निकालनी है आपको कि चलते हुए पानी की क्या वेलोसिटी है, तो आपने बर्नौली थ्योरम लगा देनी है ए और बी पे, बर्नौली का फॉर्मूला लिखा, बी पे एंटर करते ही उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बिल्कुल ओपनिंग बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी लेते नहीं। तो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी और ए का प्रेशर का डिफरेंस यहाँ से काउंट होगा, जो कि क्या होगा, एच रो जी। तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो एच रो जी हो जाएगा, तो यहाँ पर एच रो जी पुट करते हुए यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए की वेलोसिटी ही आ जाएगी। तो ऐसे काम करती है पिटॉट ट्यूब। तो इसको यूज कैसे किया गया, गैस की वेलोसिटी निकालने के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर गैस की वेलोसिटी निकालनी है, गैस आ रही है मूव करती हुई सम वेलोसिटी से, यहां पर गैस एंटर करेगी, नीचे लिक्विड है तो लिक्विड दबेगा और ये लेवल उठ जाएगा। तो यहां और लेवल, यहां और यहां के लेवल में क्या अंतर है, एच। फिर से ए और बी पॉइंट लेने हैं, बर्नौलीज लगाना है, बी में एंटर करते फिर से वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो कर देनी है, फिर वही ओल्ड स्टोरी, वी ए सेम मैथमेटिकल है, वी ए स्क्वायर बाय रो, सब कुछ सेम टू सेम है, बस फर्क यहां पर है डेंसिटी। हम बर्नौलीज किस पे लगा रहे हैं, गैस पे, तो डेंसिटी किसकी चल रही है, गैस की। तो वी ए की वैल्यू गैस की फॉर्म में आ गई, ये वी ए की वैल्यू गैस के फॉर्म में इतनी आ गई, लेकिन जब प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो लिक्विड से कैलकुलेट हो रहा है पानी में, तो डेंसिटी ऑफ एच आर ओ जी में डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी, तो यहां से वी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फर्क समझ में आ रहा है। और इसके बेस पे इसने मुझे सुबह प्रॉब्लम सेंड की थी, इरोडो की प्रॉब्लम थी वैसे ये, तो सेम प्रॉब्लम है, पिटॉट ट्यूब है एज शोन इन द फिगर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का एस है, एज्यूमिंग द विस्कोसिटी टू बी नेग्लिजिबल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्लोइंग क्रॉस द सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप पर यूनिट टाइम, मतलब मुझे निकालना है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं, डायग्राम में फर्क है बस, कुछ नहीं करना। पिटॉट ट्यूब की पहचान हो रही है, ऑब्वियसली गैस चल रही होगी, हमें वेलोसिटी निकालनी आती है, वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा बस सेम। तो यहाँ बर्नौलीज लगाई, और इसमें डेंसिटी किसकी चल रही है, गैस की, पी ए माइनस पी बी में डेल्टा एच का डिफरेंस गिवन है लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की, और क्वेश्चन में डेंसिटी लिक्विड की रो नॉट गिवन है इसमें, तो एच रो जी में डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई, वैसे गैस चल रही है, सॉल्व करके फिर से वेलोसिटी सेम, ऊपर और यहाँ का आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सेम है, मैंने एच लिया था इसने डेल्टा एच ले लिया, फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी आंसर। तो एक बार पिटॉट ट्यूब का प्रिंसिपल क्लियर हो गया, फिर तो मेरे ख्याल से क्लियर ही है ये, सही आसान है, पिटॉट ट्यूब कुछ करना ही नहीं, सेम टू सेम है। उसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है, मोनोमेट्रिक ट्यूब्स ये गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, S1 S2 है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग अक्रॉस द पाइप पर यूनिट टाइम, फिर से क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, कब, जब कॉलम में यहाँ लिक्विड में हाइट का डिफरेंस दिखा पर लिक्विड का लेवल इसमें एच है, ये कुछ नहीं है, ये वेंचुरीमीटर की डेरिवेशन है, इरोडो की प्रॉब्लम है फिर से, ये वेंचुरीमीटर कुछ नहीं है, वही डेरिवेशन में करके लाया हूँ फिर से, एरिया S1 इंटू V1 इज S2 इंटू V2, क्लियर, बर्नौलीज इक्वेशन लगा ली, हाइट कैंसिल होगी, क्लियर, प्रेशर का डिफरेंस आ गया P2 माइनस P1, क्लियर, P2 बड़ा होगा P1 से, क्यों, क्योंकि यहाँ S2 बड़ा है S1 से, अगर एरिया बड़ा होता है तो वेलोसिटी छोटी होती है, वेलोसिटी छोटी होती है तो बर्नौलीज थ्योरम से प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ का, एरोप्लेन का प्रिंसिपल,
जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम है वहाँ प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है। तो इसलिए पी टू माइनस पी वन एक तरफ, और पी टू माइनस पी वन यहाँ से लिक्विड का लेवल गिवन नहीं है पर डेल्टा एच हाइट का डिफरेंस गिवन है, तो एच रो जी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया। वेंचुरी मीटर की प्योर डेरिवेशन है बस, ठीक। एक और प्रॉब्लम दी थी इसने सॉल्व करने के लिए, वो नहीं हो सकती अभी, थोड़ी वो कुछ अलग चीज़ है, वो अभी नहीं हो पाएगी, ठीक। नेक्स्ट है, ये एडवांस का क्वेश्चन है इस साल का। अ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस स्मॉल आर इज डिप्ड इन वर्टिकली इनटू द बीकर फिल्ड विद द वाटर, वाटर राइजेज टू अ हाइट ऑफ एच, एसेंट फॉर्मूला लग रहा है, पानी ऊपर चढ़ गया हाइट एच पे, एंड सरफेस टेंशन सिग्मा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है। आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब कैपिलरी एक्शन के अंदर कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है। पहली, फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ अ कैपिलरी एच डिक्रीज कर रहा है जब आर इंक्रीज कर रहा है, पहले फॉर्मूला लिखो। असेंट फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ लिक्विड का 2t cos थीटा बाय r rho g। साफ पता लग रहा है कि अगर r बढ़ेगा तो h कम होगा, h कम होगा अगर r बढ़ेगा, ऑप्शन करेक्ट ए ऑप्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट है कि फॉर अ गिवन मटेरियल h इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, नहीं, h डिपेंड्स अपॉन सिग्मा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन लिफ्ट गोइंग अपवर्ड, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो g की जगह g प्लस a हो जाएगा, तो h क्या हो जाएगा, कम, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो h कम हो जाएगा, बन गया ऑप्शन सही। एंड h इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, नहीं, h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बन गए, डन डन।